इसी गली का इसी वक्त का इंतजार कर रहा था, इसलिए हम 2-3 महीना से वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि हम सोच रहा था पसीहत का दीरिंग स्कूल का गोल्डन जुबिलरी कब होगा। वो ये घड़ी का, ये समय का, ये वक्त का इंतजार कर रहा था। तो गुस्टा खाता है विमल, बोलो जुबा केसरी कट्टा चला। तो टाटा बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, जिसको उससे नहीं खाना चाहिए गाइस सब लोग, हम भी नहीं खाते है। ये जुबान को तुर्सी और कलेजों को फुर्ती देता है, कम से कम मरा तो बन जाएगा, भागेगा तो नहीं तुम दबा के। तो बोले ही नहीं बोलते। तो दिन हम लोग गया था डीरिंग स्कूल पासीघाट मेमोरियल, तो गोल्डन जुबिलरी हुआ था 50 ईयर्स हो गया डीरिंग स्कूल का। उसका बस ये खुला था, ओपनिंग किया था, तो अभी 50 ईयर्स हो गया 2023 एंड 2 दिसंबर 3 दिसंबर को उसका रितो रिवा आया था और लेंजिंग डोमिंग आया था। और रितो रिवा मुंबई शाह की भी दो गाना गा के चला गया, इतना बड़ा सिंगर ओके भी। इसके बाद में लेंजिंग डोमिंग जो बहुत बढ़िया से जमा है हम लोग की स्टूडेंट पार्टी लुक को, तो बढ़िया लग गया भाई लोग। तो वीडियो में बने रहना, तो वीडियो देखते रहना लोग का वीडियो को। तो हम उस दिन गया था गोल्डन जुबिलरी देखने के लिए, तो आप लोग को भी दिखाया था, दिखा देता है अभी, तो देखते रहना, लाइक से सब्सक्राइब करना है। तो बूट भी दिखाई नहीं देता है, बैठने से तो मुठ ले यार क्या बोले यार, बाबू भाई है, बाबू भाई और टिंगले भाई है, राहुल भाई है। तो ये बाबू क्यों कुछ नहीं बोलता जानता है, क्योंकि मुंह में इसका टेप लगा दिया नहीं, वो फंसा हुआ है, वो गुटका बोल रहा है, पैदासी सुपारी है। तो ये देखो हम शरीफ लौंडे है, इसीलिए बरस शरीफ लगते है वहाँ चुटिया मुख में इसका वो फसाया गाइस, वो हाँ पेनिस। तो गोल्डन जुबली है यार, तभी अभी फोन करके कवर किया है। तो मिल गया डीरिंग स्कूल डीरिंग मेमोरियल पासीघाट, तो इतना नाम याद नहीं है, नाम गलती से बोल देते सॉरी। तो ये देखो बढ़िया सिस्टर बन के बैठा हुआ है, मालूम नहीं टिकट लेना पड़ेगा होता गया लेंजिंग लुक को, तो देखने के लिए तो लेंजिंग लुक को तो देखने के लिए तो टिकट लेना पड़ेगा होता है, बहुत बड़ा नहीं। तो रीता भाई भी आएगा बोल रहा था, रीता भाई कब आएगा मालूम नहीं, आज का आएगा ना कल का आएगा, लेकिन आज को डोमिंग भाई आया। डीरिंग स्कूल का 50 ईयर्स हो गया, जिसमें हम नहीं पढ़ाए, अभी पढ़ेगा थोड़ा दिन का बाद। ये स्कूल है ना, सोच के देखो 50 ईयर्स से ये वो हाल है, मतलब और 20 ईयर्स प्लस के बोलने से 90s का जमाना आना था। ये देखो चोर के ज़्यादा लड़की देखने के लिए नहीं आए, या मैलेंजिंग को देखने के लिए आए, क्योंकि लड़की से सुंदर तो ज्यादा लेंजिंग भाई है ना। अच्छा मेरा उधार नहीं है रे भाई, तुम स्कूटी चोरी कर रही क्या? तो देखो लेंजिंग भी आया हुआ है, लेंजिंग डोमिंग रितो रिबा, देन आई मेक श्योर दे परफॉर्म टुनाइट, थैंक यू। बहुत समझ आया यही न समझा, बहुत फिर बोला तो हमारा रितो रिबा, दोनों इज रितो रिबा। Look with
Rito Riba ko. Rito Riba. Mira lo que le pongo nada, lo que. गाने से पहले हम थोड़ा कुछ दो मिनट कुछ बोलना कितना बिक्री नहीं करते ना मेरा दवाई के लिए रखते ये स्कूल में हुआ था अभी तो पता नहीं अभी तो पता नहीं इनका सिस्टम कैसे है लेकिन बिफोर यू नो जब टीचर्स डे होता था नवंबर में टीचर्स डे वगैरह होता था हंड्रेड में टू हंड्रेड हमने सब ऑडिशन लेना था कौन कौन परफॉर्म करेगा टीचर्स डे में कौन कौन परफॉर्म करेगा तब पर टीचर्स डे है ना कितना कंपटीशन था होगा स्कूल में यू नो तब तो नहीं मिलेगा मेरे पास नहीं है बोल दो लेंजिंग हो गया अपना भाई लेंजिंग हो गया यस वॉट अभी आपका सामने में लेंद्र आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं अनुमति मैम क्लास लेवल में जब था एक छोटा सा ऐसा पुराना जमाने का माइक्रोफोन उसमें हम लोग गाता था कोमुद सर था उसमें एंड गोमुद सर दोनों अभी तक इतना यंग है ना वो दही नहीं आ रहा है पता नहीं ले आ जाए ऐसा नहीं लगता आप लोगों को अभी तक यंग है एंड एक और किस्सा बताना चाहिए क्योंकि बोलने का मौका बहुत कम मिलेगा ना तो और एक था बीपी मैक था एक बादा मैम था उसको तो इतना दर्द था माँ का समय इतना दर्द इतना पिटता था बाल को भी काट देता था पर असेंबली में ना अभी तो थोड़ा बाल पाल लिया अभी तो कुछ नहीं बोले यार फिर भी आई रिमेम्बर कोमुद सर गोमुद सर एंड एक लघु सर था उस समय प्रिंसिपल बाल काटने में माहिर था यार पूरा टकला कर देता था यार बाल पकड़ तो या ये सब मेमोरीज है एंड ये सब जितना स्कूल का वॉल्स दिखा इसको तो हम लोग कुछ नहीं समझता था वी टू बंक क्लासेस यू नो लेकिन ये अच्छा चीज नहीं है फिर भी पढ़ाई करके आप लोग अच्छे से पढ़ो जितना स्टूडेंट्स एक बार लीडिंग कार्ड प्रेजेंट हाथ उठाओ एक बार प्लीज स्टूडेंट्स कम दिखाई दे रहे हैं एलएमबी ज्यादा होगा तो या और एक बात सभी स्टूडेंट्स को आप अभी जो कर रहे हैं आप अपना मोबाइल को अच्छे से एंजॉय करो हमको तो कॉलेज का कुछ याद है स्कूल का थोड़ा याद है क्योंकि यहाँ ज्यादा हम लोग का ज्यादा है ना तो या सिर्फ पढ़ाई बोल के भी नहीं होते हमको देख लो हम पढ़ाई को थोड़ा सा इतना हम सिंसियर भी नहीं था पढ़ाई में लेकिन हम कंप्लीट किया जो भी था पढ़ाई इधर में सब कुछ किया एंड आपका दिल में अगर पैशन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं हमें हमें स्कूल का ऑडिटोरियम जो कोर्स हमें ठीक से बना भी नहीं था वो पूरा छोटा मोटा था वो नाइन का जो फोर्थ सेक्शन है ना टॉयलेट का समझ नहीं दे यूज टू सिंग वहां से लेके अभी इंटरनेशनल टूर कर रहे हैं अभी भूटान नेपाल ऑस्ट्रेलिया वेयर डूइंग सो लाइक ना तो ऐसा होता है कहानी का कैसे भर जाएगा आपको पता नहीं चलता इसलिए आपके दिल में अगर वो कुछ है पैसा है कुछ चीज को लेके पढ़ाई को लेके या फिर सिंगिंग को लेके या फिर डांसिंग को लेके आप कहीं तक भी जा सकते हैं अगर आप उसका साथ आप अगर वो चीज को डेडिकेट भी करेगा तो वो मेरा मैसेज है आप सबको एंड इतना प्रिपेयर तो नहीं है लेकिन आप एक दो सॉन्ग गा देगा आपको ओके स्कूल का नाम है ना चलो एक गाना गाना गा देगा सबसे पहले हाँ अभी सर से वॉच को लेके फटाफट डाउनलोड किया हम गाना लोगों में चलो एक बार एक दो गा देगा करके आगे कर सकते एक एक सॉन्ग लिखा था मैंने बहुत पहले लेकिन 2018 दिस सॉन्ग इज कॉल्ड काकी ननो काकिन मीन्स यू नो काकिन मीन्स तो ब्यूटीफुल सुंदर को बोलते हैं ना एंड आप लोग सब बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं तो दिस सॉन्ग इज फॉर यू गाइस ओके पता है ये सो
मोहब्बत के मोह
मिले तुम धड़कते। ग्रुप डांस बाय एल्यूमिनी 1993-94 बैच परफॉर्मिंग ऑन स्टेज, सो हमारे साथ बने रहिए। तो गाइस रितु रिबा का गाना वहाँ से खत्म हो गया। तो हम लैंडिंग को मिलने के लिए गया था, ये लुक क्या बोलते हैं, ये कमेटी लुक लुक रुका दिया था। मेरे दिल के पास ये स्कूल मेरे दिल के बहुत पास है, मेरे पिताजी माँ जी और मौसी बुआ सब इसी स्कूल से पढ़े लिखे हैं। मैं भले ही अपनी स्कूलिंग अरुणाचल में कम्प्लीट नहीं कर पाई हूँ, मैं आसाम से हूँ, लेकिन मैं अरुणाचल में जन्मी हूँ, तो ये स्कूल मेरे दिल के बहुत पास है। और एक ट्रिब्यूट ऑफ लव आई लाइक हो आँखों में तेरी अजब से जा रहा है। और इस महफिल में मैं अब बुलाना चाहूंगी सुरों के ताज, अरुणाचल की खुशबू, यूट्यूब के सहनशाह, इस स्कूल की शान, कौन है लेंजिंग दो में, सो यू आर वेलकम ऑन स्टेज। और आप लोगों ने मेरे परफॉर्मेंस के लिए वेट भी किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं हूँ 2014 बैच में मैंने पास किया था, 2014 ईयर में, तो इट्स ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, अभी आने वाले साल में 10 साल हो जाएगा। तो बहुत बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है डेरिंग स्कूल से। पीछे हम लोग जब वहाँ पे असेंबली होता था तो कभी कभी जब लेट हो जाता, मेरा पहले से आदत था और अभी भी आदत है लेट उठने का, बहुत लेट उठता हूँ, कभी कभी 11-12 बजे 2 बजे तक भी उठता हूँ, तो क्या होता था उस समय भी मैं कभी कभी लेट हो जाता था। तो मैंने कभी बंक नहीं मारा स्कूल, लेकिन वॉल पार करके मैं स्कूल आया हूँ। मतलब देखिए इतना डेडिकेशन लेवल देख रहे हो ना मेरा, तो आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा, मतलब जंप मत कीजिएगा, मतलब डेडिकेशन दिखाइएगा पढ़ाई को लेके। और क्या बोलूँ, बहुत कुछ बोलने के लिए प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन यहाँ पे आके अभी थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ, यहाँ पे आके थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ आप लोग को मिल के, शायद अपना जगह है इसलिए। ओके सभी गाने गाऊंगा मैं आज को, मैं बहुत सारा गाना अराउंड 40 मिनट्स का गाना प्रिपेयर किया मैंने, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग साथ में आए गाइए, और ऑडियंस आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, ये पूरा खाली पड़ा हुआ है, और जितने भी एल्डर्स लोग हैं उनको आराम से दिखता है, तो डोंट वरी,
सुंदर है गाइस सामने लगा था लेंजिंग सिर्फ एक सिंगर ही लगा था लेकिन वो एक रेपर भी है तो आज पहली बार उसका रेप गाना सुना है आप कैसी है नादानी तेरी कैसी नादानी तेरी पूछो तो बच्ची है क्या रास जो भी होती है तो दो मेरा रास्ता है थोड़ी की नस्ल इस सजा में कुत्ता गाना और ये गाना है आफ्टर लाइफ मूवी जो कि कब रिलीज होगा भगवान जानता है ना आफ्टर लाइफ मूवी के बारे में सुना होगा जो कि अभी तक रिलीज नहीं हुआ और वो मूवी बहुत जल्द रिलीज होने जा रहा है एक काइंड ऑफ प्रमोशन कह सकते हो ये उसी मूवी का गाना है 20 तारीख को रिलीज होगा लेकिन आप लोग के लिए मैं पहली बार इस गाने को लाइव कर रहा हूँ रिलीज से पहले होगी डायरेक्टर तो बहुत डायरेक्टर बहुत गाली देगा हिंदी गाना है गाने का नाम है सजनी तो मेरी आवाज में आप लोगों को सुनने को मिलेगा तो रिलीज होने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सुना के देखा आप लोगों को पसंद आएगा मतलब गाना हिट जाएगा बस गईया हरि कुमार मेरा सजनिया यार मेरा होए मैं मर गईया दिल के तार तू ही बार बार तू ही नैनो में बस यार चले मिल गया तू मंजिल मेरे दिल के मकान इश्क जमान तू ही बस हो जान हर लम्हा तू ही बस मैं जो लगा है अब बन जो गया हूँ मैं मेरे गाता सी मंदिर को चंदने को
गोल्डन जुबली पता हूँ कहानी। सो गाइस फाइनली अपना कॉलोनी आ गया। लैंडिंग को तो मिला था, डांस रूम देखा है, और जब हम लैंडिंग का सामने गए फोटो खींचने के लिए ना, तो ये बोलिंग क्या लोग नहीं होता है एनसीसी का लोग जो रुका दिया ना, तो लैंडिंग को लैंडिंग जो जैसे कि एनसीसी लोग को बाउचर जैसे लेके गया, क्या बोलते ये हम लेके जाके गेट लॉक कर दिया सेफ्टी जगह में। अब कोरोना का अंदर में बढ़िया से फोटो खींचते हम लोग खींचने देते हैं ना, हो जाएगा कोई बात नहीं। लैंडिंग को तीसरा बार में तो बात करता ही है। हम लोग कॉलोनी अकेला जा रहे हैं, देखो वहाँ से अकेला है, हम कुत्ता भोग रहा है, आगे पीछे भूत भी हो सकता है।